मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग लड़के टंगते हैं, लड़की लड़के टंगते हैं, तो ये हमारा इरफान भैया जी इसने लड़का टंगा हुआ यार, जरा पैसे बता कोने पैसे वसूल कराने ने बेचो तो के कर किन सो साडा घरे बेचो दे मैसेज बताओ भाई वाह इसकी वाली वाइस सुना यार वाइस सुना ना ही के सारे पैसे इस फाइन और तू आने सो फ्रेंड्स हमने थंबनेल के ऊपर एक चीज लिखी थी Assalamualaikum friends, welcome back with another amazing vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का vlog interesting होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 100 रुपए में आप पिज्जा कैसे खा सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं इस वीडियो का मेन क्रेडिट जाता है जी इरफान को, जिससे आज हम लोग बटोरने वाले हैं कुछ पैसे और उसको बनाने वाले हैं बल्ली का बकरा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीदा माल है सर, ये माल फ्रीदा सर, जब तू खा के गया सारा पकड़े जाओ ऐसा तली आवे दुकान है तू आ सही नहीं ये फ्रीदा माल है जब तू खा के गए पकड़े नु ना तली आवे तेरे को ने पैसे वसूल कराने ने बेचो तो के कर किन सो साडा घरे बेचो दे पैसे पूरे करो जी मुकाओ ऐसा बंदा है जिससे लोग लड़के टंगते हैं इससे लड़का टंगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग लड़के टंगते हैं, लड़की लड़के टंगते हैं, तो ये हमारा इरफान भैया जी इसने लड़का टंगा हुआ यार, जरा पैसे बता। ये देखिए ये इस अभी का कल एक तो वो है अपना पेपर है और ये इधर बैठे हुए। मैसेज बताओ भाई वाह इसकी वाली वाइस सुना यार वाइस सुना क्या कहने चाहिए यार पैसे कितने खाए हैं और छोड़ मुद्दे की बात पे यार फिर रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना हर भी खा चुके किस तरह मुंबई बस इजी पैसा बच्चे बड़े हैं बड़े इधर वसाइल है मदे के तब इधर वैसे ये देखो ना कितना परेशान है मेरे लिए ये चक्कर खुशी तो चक्कर है जिस तरह भी काफी दो बस बस। फ्रेंड्स अभी हम लोगों का पिज्जा आ चुका है और ये इरफान साहब हमें सर्व कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मालिक को। और यार इस पे कौन कौन बीजी पापा पापा कोई गल नहीं कोई गल नहीं, तो हम लोग खाते हैं तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्यों गया है पैदल में बुला ला प्यार हेलो भाई आप कैसा महसूस कर रही हैं और ये क्या से कहा 1000 रुपए मेरे जो निकले उड़ के हां और तू आने मेरा ना ही के सारे पैसे इस फाइन और तू आने। सो फ्रेंड्स हमने थंबनेल के ऊपर एक चीज लिखी थी 100 रुपए में पिज्जा, तो वो इस तरह के 100 रुपए मैंने डाले और बाकी ये हमें एक बलि बलि का बकरा मिल गया था तो इसको हम लोगों ने यहाँ से पकड़े एक और ये और अभी इन लोगों ने अपने नेक के लिए किस हस्ते खड़े हैं हमने अपने नेक को खड़े देखे पास करा दिया आप पिज्जा वो भी आप पिज्जा हो आप पिज्जा भाई छोड़ दे यार तूने सारे पैसे ये लाल करने हैं हां ना भाई चौथा ये यूज कर और ये लो लो जी प्रोग्राम तो बढ़ गया वाह 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 जी ये बकरा इधर बाटा मिल गया वाह क्या सीन है पैसे दे दियो पैसे क्यों जी भाई समझ कर रहे जरा ऐसे बकरे तो बड़ी ईद पे भी नहीं मिलते होते थोड़ा चेहरा दिखाओ इसका हाँ ना ज्यादा ज्यादा सखावत नहीं दसनी तो अभी हम लोग निकलते हैं जी यहाँ से। मैं आपको बताता हूँ कि यानी आप 100 रुपए में पिज्जा किस तरह खा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक बकरा इरफान की तरह, जो कि अक्सर औकात इशा के इशा से पहले और मगरब के बाद पाई जाती हैं, तो इनसे आपने थोड़ी बहुत बात वगैरह चलानी है। उसके बाद आपने ये आपको बोलेंगे आ यार किसी जगह पे जाती हैं, किस तरह बोलेंगे और छोड़ना पता है तूने लड़का टांग लिया बस कर दे, तो फिर आपने इन्हें बोलना आ यार पिज्जा खाने जाते हैं इसके पास होंगे पैसे, बोलेगा ठीक है। वहां पे जाके आपने पहुंच के बोलने की जी इस तरह यार ओ मेरे पैसे तो घर में भूल गए 100 रुपया पड़ा हुआ है, तो उस तरह आपने इसको सिर्फ 100 रुपये में दे के
देखे कुर्बानी बेचारा ये देगा, शुक्र है इसको बर्तन धोने नहीं पड़े। फ्रेंड्स यही था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें हमने आपको बताया कि आप 100 रुपए में पिज्जा कैसे खा सकते हैं, आपको बकरा किस टाइम पे मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। सो यही था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं चलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।